दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ अब तक जेएलएन मेडिकल कॉलेज में कुल 233 पॉजिटिव मरीजों का हम आंकड़ा टच कर चुके हैं और इसमें अगर हम निकाल दें अजमेर शहर की हम बात करते हैं तो 5 मरीज निकाल दें तो बाकी फिर मरीज 228 जो हैं वो हमारे यहाँ रह जाते हैं और उसमें से अनफॉर्चुनेटली हम 5 मरीजों को खो चुके हैं, 4 आपकी पूरी जानकारी में है। पांचवा जो एक वो बच्ची थी, बिहार के रहने वाले थे, बेटी और बाप यहाँ कहीं दरगाह बाज़ार के आसपास दिल्ली गेट के आसपास किसी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। बच्ची को सांस की तकलीफ होने पर पिताजी ने 108 एम्बुलेंस कॉल करके यहाँ भेजा तो जब तक बच्ची यहाँ पहुँच पाती बच्ची ने दम तोड़ चुकी थी। क्योंकि माहौल ऐसा है और क्लियर कॉज ऑफ डेथ नहीं था इसलिए हमने कोविड टेस्ट कराया और बच्ची की बॉडी को मॉर्चरी में रखा। रात को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और फिर उसका जो आगे की कार्रवाई सब कर दी गई है। और साथ ही अनफॉर्चुनेटली आज एक और हमारे कोरोना संदिग्ध व्यक्ति ने हमारे वार्ड में भर्ती के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, उसकी पुलिस जांच जारी है। सुसाइड नोट भी एक मिला है, सभी जानकारी पुलिस से मिल पाएगी। लेकिन वो व्यक्ति अदरवाइज पूर्णतः स्वस्थ था, उसको और कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद डर की वजह से या सदमे की वजह से या हम कहते हैं कि वो डिप्रेशन की वजह से उसने ऐसा किया होगा, ऐसा हमको लगता है। जो ये 10 मामले जो आए हैं आज, ये कहाँ कौन कौन से क्षेत्र के हैं? ये इसमें से केकड़ी के भी हैं, अजमेर प्रॉपर के भी हैं और बाकी सबके हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। सभी जानकारी आपको शाम की रिपोर्ट में मिल जाएगी। ग्यारह बता रहे हैं सर आज के? नहीं तो फिर आप 11 मान लोगे तो फिर उसको कर लें। ये मैं 9:30 बजे तक की रिपोर्ट बता रहा हूँ। नहीं अभी 2 बजे वाले आ गए ना। तो ये 228 और 5 232।